या कभी जब तक ये संसार में संसार को देखता रहेगा तब तक ये दो फलों से वंचित नहीं होगा, कभी सुख कभी दुख का इसको हमेशा भान होता रहेगा, दुख आया सुख आया। और इसकी तीन है जड़, ये प्रकृति का है ना, तो तीन जड़ क्या है, ये सत्वगतम ये तीन गुण है, ये त्रिगुणात्मक जगत है, ये तीन इसके जड़ है, इसके मूल है, त्रिमूल और चतुरस है, इसके चार रस है, जो चतुर्वर्ग फल है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इसके चार रस हैं। और यहां संसार को जानने के साधन क्या हैं, प्रकार क्या हैं, तो कहते हैं ये जो पांच इंद्रियां हैं, इंद्रियों को बोलक नहीं, ज्ञान इंद्रियां, ये श्रोत्र त्वक नेत्र रसना और नासिका, ये पांच जो हैं ये इसके जानने के प्रकार हैं। और इस संसार में छह स्वभाव है, किसी वस्तु का होना, पैदा होना, रहना, बहना, बदलना, घटना और नष्ट होना। चीज कोई पैदा हुई, ये आसन बना, बन के रहा, कोई चीज का उत्पन्न होना, स्थित होना, और उसकी वृद्धि होना और क्षय होना, और परिवर्तन होना और नष्ट हो जाना, ये जितने हम हैं, जितने संसार में वस्तुएं हैं, जितने प्राणी पदार्थ हैं, सब में ये छह बात है। गीता में इस छह को चार के रूप में ले आए, जन्म जरा व्याधि, जो वस्तु बनी है वो नष्ट हो गई है, वो पहले पहले बढ़ेगी, बच्चा बड़ा होगा तो ये वृद्धि होगी, फिर घटने लगेगा, उसके बल का क्षय होने लगेगा, रूपांतर चलता साथ साथ, छोटे बच्चों को पहचान नहीं सकते बुरा होने पर, और नष्ट हो जाता है। तो ये छह उसके स्वभाव है, इस वृक्ष के उसकी सात छाल हैं, जो सात धातुएं हैं हमारी, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इस सात धातुओं से ये बना रहता है। और आज इसकी शाखाएं हैं, पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ जो है इसकी आठ शाखाएं हैं। और ये जो नव इंद्रिय द्वार है मुखारी, ये नव इस वृक्ष के खोडर हैं, और दस पत्ते हैं इसमें, जो दस प्राण हैं, प्राण अपान ज्ञान उदान समान नाग कूर मित्रिकल देवते धनंजय, ये दस जो हैं ये प्राण है, जो प्राण इसके पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, एक भगवान और एक जीव, जा सुपन्ना सूजा सखाया, दो पक्षी रहते हैं, एक तो देखता एक खाता, वो एक ही दे रहे हुए हैं। जब वो खाने वाला देखने वाले के शरणागत हो जाता है, तो देखने वाला फिर वहां पर प्रकट हो जाता है, फिर संसार वृक्ष जो है कट जाता है। इसको वृक्ष इसीलिए कहा, ये विषय आगे आएगा, ये कट सकता है, ये वैराग्य शस्त्र के द्वारा भगवान में राग होने पर ये कट सकता है, इसलिए ये इसका नाम वृक्ष है। तमेक सत प्रसूति स्तम संविधानम तम अनुग्रह माया संत चेत स्वाम पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। ये रूखा विषय लगेगा, सबके काम का नहीं, क्योंकि संसार वृक्ष की जो उत्पत्ति है उसके आधार आप हैं, एकमात्र आप हैं, ये भगवान से ही ये निकला है,
और भगवान में ये संसार का जो प्राणी पदार्थ है जाता है और भगवान के द्वारा इसकी रक्षा होती है। तो जिनका चित्त भगवान के उस तत्व को न जानकर माया से ढक रहा है वे इस शक्ति को खो बैठते हैं, वे भगवान को नहीं देखते, ये और चीजों को देखते हैं। ब्रह्मा ने पैदा किया, काल ने इसको मिटा दिया, इस प्रकार से जो तत्वज्ञानी है जो जानते हैं वे केवल सब जगह सब अवस्थाओं में इसके मूल में रहने वाले इसमें व्याप्त जो इसमें जहां ये जाएगा उस आप ही देखते हैं। तो आप ही विमर्शी रूपान्वबोधयात्मा क्षेमा यलोक सुचराचर सत्योपन्ना सुखावहानी सताम भद्राणि मोक्खलानाम। थोड़ा फिर संसार में मेघ रूप धारण करने वाले ये आप ही हैं ये, और फिर आप ही मेघ रूप धारण करके संसार में अवतीर्ण होते हैं उद्धार के लिए। तो आपके ये जितने रूप होते हैं ये सत्योपन्नान सारे सत्यमय होते हैं और ये सुखरूप होते हैं, सबको सुख देने वाले होते हैं, संतों को दुष्टों की दुष्टता का दंड भी देते हैं, अभद्राणि मोक्खलानाम उनको दंड भी देते हैं। इसलिए मंगलमय और अमंगलमय दोनों रूपों में आप ही प्रकट होते हैं संसार में। स्वयं बुदाक्षाखिल सत्यधारी समाजना विहित चैत चेतसई के त्वत्पाद पूजन महत्कृति हो कुर्वंती गोवत्स पदम भवाभ्यं। कहते हैं अब यहां पर बिल्कुल वो वर्णन नहीं है जिसमें ये अरूप का वर्णन हो, ये तो भगवान जो देवकी गर्भ में आए हुए ये सारे अंगों से विभूषित जो भगवान उनका वर्णन तो कहते हैं आपके नेत्र जो है वो कमल के समान बड़े शोभित है, अंबुजाक्ष कमल के समान कोमल अनुग्रह बड़े नेत्रों वाले भगवान। ये कुछ ही लोग जो होते हैं जो सबके आश्रय आप हैं आप में मन लगा सकते हैं, और वे लोग जो हैं आपके चरणों में मन लगाने वाले वे लोग आपके चरण कमलों का चरण कमल रूपी जहाज का सहारा लेकर तत्पाद पोथयन, ये बड़ा सुंदर भाव है, तत्पाद पोथयन महत्कृतयन कुर्वंती गोवत्स पदम भवाभ्यं। भाई ये जिसके द्वारा महात्मा लोग संसार सागर को पार हो चुके हैं, संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी देवता कहते हैं उपाय है केवल आपके चरण कमलों का सहारा, ये विषाद भी आएगा जो सहारा नहीं लेते चरण कमलों का उसकी क्या गति होती है, बड़ा ऊंचा जाने पर भी ये भी बताएंगे ब्रह्मा जी महाराज। तो वो कहते हैं कि जिसका सहारा लेकर जिस जहाज पर सवार होकर जहाज का उसको पोत का पोत कहते हैं जहाज को, वो कहते हैं जिस जहाज पर चढ़कर संत पुरुष महात्मा पुरुष संसार से पार हो चुके वो जो आपका चरण कमल रूपी जहाज है उस जहाज पर जो लोग सवार हो जाते हैं इसका जो आश्रय कर लेते हैं महाराज उनका पार होना कैसा है? गोवत्स पदम भवाभ्यं, ये है तो भवसागर भवाभ्यं, इतना ये भयानक और विस्तृत है कि जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल न मालूम, अनंत जन्म होते जाए कभी छुटकारा मिलने का है ही नहीं, और इसमें मालूम कितने जीव जंतु भरे हुए कितनी उसमें तरंगे उठ रही हैं बड़ी बड़ी, तो इसको पार होना बड़ा मुश्किल। लेकिन दिल हम लोग जैसे बात करते हुए जाएं रस्ते में कि कोई गा के खुर का जरा सा गड्ढा बना हुआ तो उसको देखते ही नहीं और निकल जाते। इसी प्रकार
आपके चरण कमलों का सारा लेने वाले जो लोग हैं ये आपकी चर्चा करते हैं। संसार में तो ध्यान में आता ही नहीं, संसार को भी पार करना है, ये बड़ा समुद्र है, इस समुद्र को कैसे लांघेंगे क्या करेंगे चिंता नहीं होती उनको। वो तो केवल आपके चरणों का सहारा ले करके आपका गुणगान करते हैं और करते हैं। जैसे राह चलते लोग बात करते हुए गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाते हैं पता नहीं लगता, इसी प्रकार गोवत्स पदम भवान भीमद्र सुहृदा भुवत्पदाम भूर्वनाभमत्र ते निधाता सन्ग्रहो भवान। इसमें भक्त संप्रदाय वाले संप्रदाय की अपनी पुष्टि पाते हैं, बहुत बहुत सुंदर पाते हैं। वो कहते हैं कि हे परम प्रकाश रूप भगवान, ये नाल कहां मिले ये हम जानते हैं। आपके जो निष्कपट प्रेमी जो संसार का भी वास्तव में हित चाहते हैं, संसार के सच्चे हितैषी वही है, माने सच्चे सूरज कौन है हमारे जो संत है वो, बाकी कोई सूरज नहीं जो हमें संसार में लगा दे भोगों में लगा दे वो हमारा सूरज नहीं। तो ये जो भक्त हैं यही वास्तव में सारे जगत के भी सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे हितैषी हैं। तो ये लोग जिस नौका को पा करके उस भयंकर और जो बड़ा दुस्तर है सुदुष्ट कर रहे हैं, वो आपके चंद कमलों की जो नौका है उसको ये छोड़ गए, यहां पर स्वयं पार हो गए और अपने उस नौका को छोड़ गए। तो यहां एक शंका होती है कि नाव को छोड़ कैसे जाए आदमी, नाव से इस किनारे से उस किनारे जाए तो उस किनारे रह जाए ना नाव। ये संसार की जो नाव है ये तो क्या है आती जाती रही, यहाँ के आदमी को वहां उतारा और वहां वाले को यहाँ ले आए, पर ये वहां जाने के बाद तो आते नहीं, जो उस पार पहुंच गए वो तो इस पार आते नहीं, तो वापस लाने का जो प्रयोजन होता नहीं कोई को भी। जो भगवान के चरण कमलों की नाव का सहारा दे करके उस पार पहुंच गए वो तो आते नहीं, यदगत्वा न निवर्तन थे तो इस किनारे नाव रही ये कैसे माने। पर आप कहते हैं कि वो जो नाव है वो छोड़ गए, ब्रह्मा जी देवता कहते हैं ये भक्त लोग जिस नाव को लेकर के दुस्तर और भयानक सुदुस्तरम बहुत कठिनता से पार होने योग्य और बहुत ही भयानक संसार सागर को पार कर गए, उस नौका को वे दूसरों के पार करने के लिए यही छोड़ गए। तो वो नौका क्या नौका है? तो कहा जिन चरण कमलों का उन्होंने आश्रय लिया, वो जो आश्रय पद्धति है इसमें संप्रदाय कहते हैं वो जो आश्रय पद्धति है वो बता जाते हैं, वो संत लोग बता जाते हैं कि इस प्रकार से भगवान के चरणों के तुम आश्रय हो जाना, ये उस नौका को संप्रदाय से अपने भक्ति पथ से अपने मार्ग से अपनी पद्धति से जो बता जाते हैं। मैंने ये नौका क्योंकि ये बात आ चुकी, वो तो भवाब जी को पार कर चुके हैं गोवत्सवत, तो वो नाव जो वो क्या करती है, ये बड़ी सुंदर भावना है कि वो नाव को जाना नहीं पड़ता पार, वो ऐसी विचित्र नाव है कि उस नाव का सहारा लेते ही ये संसार सागर सूख कर भयानक ये गोवत्स पदवत रह जाता है। तो फिर पार होने में क्या देर है, वो नाव को जल में तैर के पार ले जाए ये जरूरत नहीं उस नाव को, नाम ले तो भवसिंधु सुखाही। ये जो भवसिंधु है ये भगवान का के चरणों का आश्रय करने पर सूख जाता है, तो अपने आप ही पार हो गया। भगवान के चरण वहां पर जहां मिल गए वहां भगवान आ जाते हैं, और जहां भगवान आए वहां संसार सागर रहा नहीं। यही भेद है
कर्मी को जाना पड़ता है भगवान तक, पहुंचना पड़ता है, और प्रेमी के पास भगवान आ जाते। तो ये भगवान के चरणों का जहां सहारा लिया, वहीं क्या हुआ कि भगवान पास आ गए तो संसार सागर सूख कर गोवत्स पदवत रह गया। तो अब उसको पार तो उस नाव से ही, उसको गोवत्स पदवत बनाया उस नौका नहीं, भगवान के चरण कमलों के आश्रय नहीं। ये जो आश्रय की पद्धति है, ये वो संत लोग छोड़ जाते हैं पीछे वालों के लिए। देखो भैया, इस नाव से हम पार हुए हैं और ये नाव तुम्हारे लिए हम छोड़ जाते हैं। ये बड़ी सुख की नाव है, इसको खेना नहीं पड़ता। केवल इस नाव का आश्रय कर लो, ये अपने आप खेई जाती है और अपने आप जल को पार कर जाती है और अपने आप रास्ते के विघ्नों को मिटा देती है। इसके अनुकूल हवा अपने आप रहती है। तो भगवत चरणों को आश्रय करने वाले को क्या मिलता है? ये भगवत कृपा मिलती है। भगवान की शरणागति से भगवत कृपा मिलती है। तो भगवत कृपा जहां पर आ जाती है, उदय हो जाती है, वहां पर फिर ये संसार का भय नहीं रहता, संसार सागर नहीं रहता। तो बोलिए फिर पार हो जाते हैं, वो नौका छोड़ जाते। तो किसी तो क्या बात हुई कि भगवान के चरणों का आश्रय कर लेना, यही संसार सागर से पार होने का सहज उपाय है। इसके सिवा कोई उपाय नहीं। बोले और उपाय? बोले और उपाय हैं भाई, पर उनमें बड़ा डर है। ये भक्त लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं, ये तो कहते हैं कि इस टीका में है, वो तो आज यहाँ कहने की बात, ये लंबा छोड़ा व्याख्यान है कि ये उनके पास प्रमाण भी है। वो कहते हैं कि भाई जो लोग ज्ञान की उच्चावस्था में पहुंच चुके, पहुंचा हुआ मान लिया, वे भी गिर जाते, लेकिन भगवत चरणों का आश्रय करने वाले गिरते नहीं, क्योंकि वो जो चरण हैं हमेशा उनकी रक्षा करते। वो निरावलंब हैं, ये सावलंब हैं, इनको भगवान के चरणों का आधार है, उनको नहीं। तो ये विमुक्त मानना जो है, इसको मानने का वो अर्थ करते हैं कि जिन लोगों ने मान लिया, तो कहते मिथ्या मान लिया नहीं, जो सचमुच माने जाने योग्य हो गए, वे भी हम ज्ञानी भगवान को कौन माने? भगवान क्या चीज है? वो तो माया की चीज है। इस प्रकार गिर जाते। तो कहते हैं ये मीर बिंदाक्ष विमुक्त मानी नस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः तथा नथे माधव ताव का क्वचित आरुज्य तिक्षेण परम पदम पतंत धू नाद विष्णुदंग्रय। बड़ा सुंदर वो कहते हैं महाराज कि जिन लोगों ने आपके चरण कमलों को आश्रय नहीं लिया, चरण कमल नौका क्यों है, जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नेत्र भगवान, जिन लोगों ने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया, जो आपके भक्तिभाव से रहित हैं, सच कहें तो असल में वे अभिशुद्ध बुद्धि हैं। तो हमारे मित्र थे, हैं अभी, वो बड़े विनोद में कहा करते हैं कि बुद्धि सूक्ष्म होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि पता ही नहीं लगता कि है कि नहीं। तो वो कहा करते हैं इसी प्रकार से जो ज्ञानाभिमानी होते हैं, उनकी बुद्धि सूक्ष्म होते होते भगवान तक का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती। वो कहती है भगवान भी नहीं है, ये सब माया से बने हुए हैं, हम तो निर्मायिक जगत में आत्म तत्व के जानने वाले हैं। तो असल में वे जो हैं ये अभिशुद्ध बुद्धि। अभिशुद्ध बुद्धि सो तो होता नहीं आचरण ही सत्य की प्राप्ति का। बुद्धा विशुद्ध ही आयुक्त यहाँ से शुरू होता है और वहां उसकी परिसमाप्ति है
पराभक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर असली ब्रह्मभूत होना, ब्रह्म की प्राप्ति होना उसकी परिसमाप्ति नहीं है। ये गीता का सिद्धांत है। बुद्धि विशुद्ध होते होते जब ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होकर ब्रह्म को प्राप्त कर चुकता है तब भी असली प्राप्ति नहीं हुई। ये गीता का सिद्धांत है। इसके बाद ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मन शुद्ध कांक्षति वो फिर मेरी श्री कृष्ण की पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति, और भक्ति के द्वारा वो फिर मुझको जानता है मैं कैसा हूँ, तब वो असली चीज को पाता है, वहां तक पहुंचता है। तो जो जो केवल विमुक्त मानी ना, जो केवल अपने को बोले हमने तो मान लिया कि हम ब्रह्म हैं, बस मान लिया, अब जगत है ही नहीं, बना ही नहीं। अरे मान लिया, पर बुद्धि जहां तक अशुद्ध है, जहां तक संसार के प्राणी पदार्थों में राग द्वेष बना है, जहां तक अमुक अमुक विषय अच्छा अमुक विषय बुरा इस प्रकार मन में लगता है, वहां तक बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज ऐसे लोग फिर गिर जाते हैं। बोले नहीं, तपस्या जो है ये साधना ये बड़े ऊंचे पर ले जाती है। जे ज्ञान मान विमत, इसी का अनुवाद है, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भगत नयादरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादत पत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब दे होइ रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरंग भवनाथ सो समरान हे। कहते हैं कि भाई जिनके मन में विश्वास नहीं और जिनको भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं, अनाज भी दंगाया। यहाँ एक ये और बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये युष्म दंग रहे हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ पर केवल भगवान की बात नहीं, भगवान और भगवान के भक्त दोनों के चरणों का आश्रय होना चाहिए। भगवान के भक्त के चरणों का आश्रय नहीं होगा तो भगवत चरणार विंद की उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि नाव तो वो छोड़ जाते हैं ना। ये चली आती संगति युष्मत से बताते हैं कि नाव तो वो चली आती है जो भक्त छोड़ गए हैं। अपने मन से हमने मान लिया है कि भगवान के चरणारविंद हैं तो नहीं काम चलता। तो भगवान के जो अनुभवी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों के चरणों का और भगवान के चरणों का जिनको आश्रय नहीं है, वे अपनी साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचा पद पा जाते हैं। आरुज तिष्ठेन परम पदम तथा, बड़ा ऊंचे से ऊंचा पद साधना का कष्ट उठाकर वे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा अभिमान उत्पन्न होता है जो भगवान और भक्त के चरणाश्रित नहीं होते। वे चरणाश्रित काहे के होते हैं, चरण तो उनके लिए ही नहीं, तो वो होते हैं अभिमानाश्रित, विमुक्त मानना, वो झूठ मूठ ही मान लेते हैं। तो ये जो अभिमानाश्रित होते हैं ये भी अपनी तपस्या के बल से बड़ा ऊंचा उठ सकते हैं। पाए सुरदुर्लभ पदादपि, जिस पद को देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते उस पद को प्राप्त कर ले। देवताओं ने नहीं प्राप्त किया इंद्रत्व को सब देवताओं में, पर नहुष ने प्राप्त कर लिया। पर नहुष के भगवत चरणों का आश्रय नहीं था, देवताओं से ऊंचा उसने पद तो प्राप्त किया, इंद्र बन गया, लेकिन ऐसा गिरा कि फिर उसका पता नहीं लगा हजारों वर्षों तक पड़ा रहा चलिए की होने में। तो इसका मतलब क्या है कि केवल जो साधना में विश्वास करता है, ज्ञान में विश्वास करता है, समझ में विश्वास करता है, और जिसको भगवत चरणारविंद की और भक्त चरणारविंद की कृपा प्राप्त नहीं है, जो इनका आश्रय नहीं करता, वो गिर जाता है। वो गिर जाता है क्योंकि ये क्रम यह है। भगवान देवकी के गर्भ में आए हुए हैं, वो चरणारविंद वाले हैं, करपदाद युक्त हैं,
उन भगवान की स्तुति हो रही है, तो कहते हैं उसी से कि ये जो आपके जो चरण कमल है ये जहाज हैं, कि चरण कमल के जहाज किनको प्राप्त हुए, आपके भक्तों को। वे भक्त तो पार हो गए, पार होकर इस जहाज को छोड़ गए, इस जहाज का जो आश्रय कर लेंगे वो गोवत पदवत पार हो जाएंगे, लेकिन इस जहाज का जो आश्रय नहीं करेंगे, इस जहाज का और जहाज के छोड़ने वाले उन महात्माओं का, वे लोग ऊंचे से ऊंचे पद पर जाकर के भी गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। अभिमान बचाता नहीं, गिराता है, और शरणागति गिराती नहीं, बचाती। ये अंतर है यहाँ पर, ये समझने का अंतर है साधन में, कि भगवत शरणागति है ये तो गिराती नहीं, गिरता है। इसलिए अगले श्लोक में है, गिरता है उठा लेते हैं भगवान, उठा लेते हैं, और अभिमान है ये धक्का मारता है। ऊंचे से ऊंचा जाने पर भी अभिमान जब जागता है, उस समय ये प्राणी भूल जाता है कि परिणाम क्या होगा। तो विमुक्त मानिना, जो अभिमानी है, अपने को मुक्त मानने वाले अभिमानी, वे अभिमानी गिर जाते हैं, उनको अभिमान का सारा रहता है, और अभिमान धक्का देने वाला है, बचाने वाला नहीं। लेकिन त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति तथा न ते माधवतावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीप मूर्ध सुप्रभु। बड़ा सुंदर भाव जो आप कहेंगे हो गए तावका, भगवान के तदीय, जो भगवान के हो जाते हैं उन्हीं को भगवान बचाते। ये ब्रह्मस्तुति में आगे आवेगा कि महाराज ये मनुष्य कब तक ऐसा रहता है कि जब तक आपका नहीं हो जाता। ये उसी तावत रागादेशना तावत कारा गृहम गृहम तावन मुहूर् निगड़ो यावत कृष्ण के जनाहा, हे श्री कृष्ण जब तक ये तुम्हारे नहीं हो जाते तभी तक राग द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहते हैं, तभी तक ये घर का जेल खाना रहता है, जेल खाने के रूप में घर रहता है, फिर तो मंदिर के रूप में हो जाता है, जेल खाना रहता है, और तभी तक ये पैरों में बेड़ियां पड़ी रहती हैं, लेकिन जब आपका हो गया तो बस आप मुक्त कर देते हैं। तो कहते हैं कि हे माधव, जो आपके निजन है काल का, जो आपके हो गए, आपके हो गए हैं, तो आपके हो गए तो चिंता आपके, और जूता खरीद लाए हम बाजार से, अब जूता खो न जाए, दुकान के जूते कौन चिंता करता है, दुकान में जूते पड़े हजारों, हम जाकर के देख भी आए लिया नहीं तो दुकान में आग लग जाए चाहे, कौन चिंता करता है। जिस जूते को खरीद लाए, जूता मामूली चीज बाहर ही खोलते हैं, तो सत्संग में आने पर भी मन लगा रहता कहीं जूता खो न जाए, स्वभाग। तो जो चीज अपनी हो गई उसका खास ध्यान रहता, तो भगवान नहीं बिगड़ता, ये पक्षपात, अरे पक्षपात नहीं ये स्वभाव है। सूर्य जो है ये किसी को रोशनी दे किसी को न दे ऐसा सूर्य कहता है क्या? बोले भाई अमुक को हम तो रोशनी देंगे, अमुक को नहीं देंगे, लेकिन जो सामने तो उसको रोशनी मिलती है, जो अपना किवाड़ ढके अलकतरा पोत ले, दीवार पर अलकतरा लगा ले काला, और किवाड़ ढके और काला पर्दा लगा ले, तो सूर्य बिचारा कहां रोशनी देने को आवे, लेकिन जो सूर्य के सामने आ जाए उसको रोशनी मिलती है, और जो अच्छी शीशे ही आ जाए कहीं बंद कर तो सूर्य उसमें लगन हो जाए तो आग लग जाती है। तो भगवान ने ये कहा गीता में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बोले तो पक्षपात, बोले पक्षपात नहीं स्वभाव है, पक्षपात नहीं, पक्षपात तो ये होता है, बता कि अमुक के साथ करें, अमुक साथ नहीं करें। भगवान कहते हैं नहीं हमारा कोई द्वेष है, नहीं हमारा कोई प्रिय है, सब में हम समान है बाबा, सब समान, लेकिन जो हमारे हैं
जो हमको हमसे प्रेम करते हैं वे हमारे अंदर हैं, हम उनके अंदर मई थे तो तेहता आते हम, उनका प्रवेश हो गया भगवान में। और भगवान कहते हैं कि मेरा भी उनमें प्रवेश हो गया, वे मुझ में और मैं उनमें, यहां तक का संबंध। तो ताव का जो भगवान के, तो तदीय नारद जी ने कहा कि भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं। क्यों भेद नहीं? ये तो सदीय है, वे उनके हो गए। तस्मी तज्जने भेदा भावात, ये सूत्र है कि भगवान में और भगवान के जन में भेद का अभाव है। वे भेद का अभाव क्यों हो गया? ये तो सदीय है, वे उनके जो हो गए, ये भगवान के हो गए। तो भगवान के हो गए तो क्या हुआ कि भगवान का हाथ उनके सिर पर आ गया, भगवान की शक्ति उनके रक्षा में आ गई, भगवान का ज्ञान उनके ज्ञान में आने लगा। ध्रुव जी शरणागत हुए भगवान के, बोलना नहीं आता था, जरा सा शंख छुआ दिया कपोल को सारी विद्याएं अपने आप आ गई, भगवान का ज्ञान उतर ही आया ध्रुव में। काव का तो कहते हैं कि जो आपके आपके हो गए हैं और जिनकी आपके चरणों में वास्तव में प्रीति हो गई है, वे लोग ये ज्ञानाभिमानियों की भांति, जो बद्ध सौहृद हैं, ये वो जो ज्ञानाभिमानियों की भांति, वे गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते? क्यों नहीं गिरते? उनकी रक्षा आप करते। जैसे छोटा बच्चा कभी देखा होगा, इन मायों को पता है, जब बच्चे की उंगली पकड़ के मां ले जाती है, छोटा सा बच्चा है, रास्ते में पत्थर पड़ा होता है, बच्चा होता है चपल, उंगली पकड़े मां की तो पत्थर जरा दूर भी है तो पत्थर पर पैर रख के जाएगा वो, उसको ये तो डर है नहीं, ज्ञान है, डर है कि गिर जाएंगे, क्योंकि मां तो हाथ पकड़ाए हुए है, जरा से पैर खिसला कि मां तरफ से उसको रोक लेगी, बचा लेगी मां। तो इसलिए जैसे वो राह के पड़े पत्थर पर जानबूझ के पैर रख के जाता, इसी प्रकार ये कहते हैं कि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, विनाय का निकट मूर्ध सुप्रभु। वो बोले विघ्नों से तो क्या डरें, जो विघ्नों की सेना के सरदार हैं, सारे जो विघ्न डालने वाले हैं, बड़े बड़े विघ्न, उनकी सेना के जो सरदार हैं, उनके सिर पर पैर रख के जाते हैं। बोले आओ देखें, उनके हैं हम, हमको हमको तुम कैसे भी कुछ नहीं, अरे उनके हैं। तो कहते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा विघ्न उनको गिरा दे, सो बात नहीं, वो तो विघ्नों की सेना के सरदारों के सिर पर, उनके सिर को कुचलते हुए जाते हैं, वो डरते नहीं, क्योंकि वो उनको रक्षा प्राप्त है भगवान के। योग क्षेम वहां में हम क्षेम का वहन करते हैं भगवान, योग का वहन करते हैं भगवान। तो कहते हैं कि ये जो भगवान का स्वभाव है, ये बड़ा विलक्षण, इसको देख करके जो उनके हो जाते हैं, उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनमें अपने प्रेम को बांध देते हैं, बांध देते हैं चरणों में सच्ची प्रीति। ये क्या होता है महाराज, जो अपने हृदय को भगवान से बांधते हैं, वो कैसे बांधते हैं, काहे से बांधते हैं, भगवान के चरणों से बांधते हैं। चरणों का आश्रय यही है, वही विषय आ रहा है, भगवान का चरणाश्रय। अपनी प्रेम की डोरी से सारी जगह से सारा प्रेम एक जगह इकट्ठा होकर वो केवल भगवत चरणारविंद में लग जाए, ये है प्रेम की गांठ बांध देना भगवान के चरणों में। इसमें होता क्या है, प्रकारांतर से भगवान बंध जाते हैं, बंध गए ना भगवान। सूरदास ने कहा ये बिल्ल मंगल वाली बात, ये भगवान ये अंधे हो गए, सूरदास जी ये बिल्ल मंगल जी अंधे हो गए, आंखें फोड़ दी, आ गया ऐसा विचार मन में कि आंखें जो हैं ये हमको अच्छे मार्ग से गिराती है, तो आंख न रहे, जो आंख भगवान को दिखाए वो तो आंख, पनी तो फूटने लायक आंख,
तो उन्होंने बेल के कांटे लेकर दोनों आंखों को फोड़ दिया, फोड़ दिया, भाव था। अब बोले बोझ होगी, आंख तो रही नहीं, अब ये कहीं गिरने का सामान रहेगा ये नहीं मौत से, अब चलें। तो आंखों से खून बह रहा है और ये अपने आप खूब मजे में जा रहे हैं, मौत से जा रहे हैं नाचते हुए। जाना है इनको भगवान के वृंदावन में, दक्षिण कृष्ण रेणा नदी, वहां से चलते हैं। भगवान हल्का अंधा हो गया तो इसकी आंख तो हमें हैं, तो छोटे से बच्चे बड़े मधुर बनकर के आ गए, बोले बाबा बाबा, बड़ी मीठी बोली लगी, बड़ी मीठी बोली लगी, इतना मधुर। तो मन में आया कि सारे संसार को छोड़ के आया, आंख फोड़ी, तो फिर ये कहां से आ गया फंसाने वाला कोई, इसकी तो बोली ही फंसाती है। बोले भैया कौन हो? बोले हम यहीं रहते हैं बाबा, कुछ खाओगे? तो अब भूख तो लगी थी, बोले भैया भूख तो लगी है, कई दिन हो गए। बोले हम लाए हैं, देखो एक दोने में बड़ा सुंदर सुंदर, अब भगवान वो भगवान ही थे, भगवान का प्रसाद भी भगवान ही है, खाना ही भगवान ही। वो प्रसाद दिया तो वो बुड्ढे ने खाया, ऐसा बढ़िया लगा, ऐसा बढ़िया लगा, ऐसा बढ़िया लगा अंधे को। बोले इतने लाए हो क्या? बहुत दिन का भूखा था। बोले और भी है, और दिया, अब काहे से तृप्ति है उसकी? बोले भैया रोज ले आया करो। रोज ले आया करो। बोले अच्छी बात, रोज लाऊंगा। अब वो रोज ला के दे तो बोले जा तृप्ति, थोड़े पास बैठ जाया कर, तो बात सुनाया कर, तुम्हारी बात बड़ी मीठी लगती, तुम्हारी बोली बड़ी मीठी लगती, कि प्रसाद भी मीठा तुम्हारी बोली भी मीठी। बोले अच्छी बात है, सुना है। बोले एक काम करो, भगवान का हाथ लगा, तुम्हारा हाथ देख लेगा, हाथ हाथ को लिया, हाथ में तो बिजली दौड़ गई। अरे ये हाथ भगवान के वो ब्रह्म संस्पर्श हो गया ना, ये ज्ञानियों का ब्रह्म संस्पर्श होता है कहीं बुद्धि में ही, संस्पर्श नहीं मिलता उनको, तो संस्पर्श झूठी बोलते हैं। संस्पर्श कहाँ होता है? संस्पर्श नहीं होता, वो तो केवल विचार का संस्पर्श है, वो जो संस्पर्श होता है वो केवल विचार से होता है। और यहाँ तो भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है, अच्छी प्रकार सम्यक प्रकार से भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है, वो दिव्य भगवान के भगवतमय अंगों का, शरीर का नहीं। तो ये जब वो अंग स्पर्श हुआ भगवान के कर कमल, छोटा सा बच्चा नन्ना सा भैया, वो हाथ मेरे, अरे सूरदास ने कहा, बोले ये छोड़ूंगा नहीं, अब तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोले भैया देखो फिर तुम कल लांगन कैसे, कल तुम्हारे लिए लांग, बोले मत लाया करो, तुम तो हाथ ही पकड़ाया रहो उनको, छुड़ाया हो रहा किसी तरह से। रोज लाया, वो रोज आके बैठे, घड़ियाल घड़ी हाथ में हाथ रखे, नन्ना सा छोटा सा हाथ, लेकिन बड़ा प्रिय, बड़ा मधुर, बड़ा सुहावना। अब साहब बोझ की बात होगी तो देखा है तो वृंदावन भूल ही गया, और भूल क्यों ना जाए वृंदावन, वृंदावन का जो प्राण है वो जहां आ गया वहां वृंदावन कौन चीज है, जहां वो वहां वृंदावन। तो एक दिन बोला, अरे बोले बाबा तुम वृंदावन जा रहे थे? बोले हाँ जा तो रहे थे। तो बोले फिर बोले तुम आ गए ना, अब वृंदावन याद नहीं आ, ले चले वृंदावन, तो तुम रहोगे ना साहब? बोले हाँ हम तो वहां रहते ही हैं, चलो। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा के वृंदावन पहुंच गए। बोले बाबा वृंदावन आ गया? बोले आ गया, इतनी देर नहीं। बोले आ गया, जल्दी से ले आया, अच्छी बात। तो बोले बाबा तो वृंदावन में आ गए, अब हम जाए? बोले ना, ले चलो हमको तो वापिस वृंदावन ही चाहिए हमको, हम तो तुम बोले नहीं, अब तुमको वृंदावन पहुंचा दिया, अब हम नहीं रहेंगे। बोले नहीं कैसे रहोगे, हाथ जो पकड़ रखा है छोड़ेंगे नहीं। बोले नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे। बोले नहीं तुमको रहना पड़ेगा। पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया अंधे ने हाथ, छोड़े नहीं। अब भगवान को तो उसकी महिमा प्रकट करने, रहना तो पास ही है। ये भक्त का जो हृदय होता है और भक्त की सन्निधि जो होती है, ये भगवान को जितनी प्यारी होती है उतना प्यारा अपना धाम नहीं होता। ये भागवत में कहा है, भागवत में कहा है कि हमें वो संबंधी और लक्ष्मी प्यारे नहीं उतनी, और वो ब्रह्मा प्यारे नहीं, ना आत्मयो निर्मल शंकर है,
शंकर हमारा रूप वो हमें प्यारा नहीं, जितने प्यारे ये मेरे भक्त मुझको। तो भगवान जाएंगे नहीं, अब उनको हमेशा रहना है। तो भगवान ने सोचा कि अब तो ये छोड़ेगा तो है नहीं, तो इसके बाहर भी रहे और भीतर भी रहे। भीतर रहेंगे तो बाहर अपने आप रहेंगे। तो कहा अभी हम जाएंगे, बोले नहीं नहीं जाने देंगे। बोले जाएंगे, बोले नहीं जाने देंगे। बोले अच्छा जाओ जाओ। जो कहती भगवान ने कहा जाना तो कहें तो रहना है बंद के, तो मन में बैठ गए यार। उसने देखा कि तो अंदर बैठा हुआ है, ये तो बैठा दिख रहा है ना। अब तो बोले दिखने भी लगा, बाहर तो दिखता नहीं था, दिखता जो बैठा है यहाँ पर दिखने लगा, प्रत्यक्ष बैठा हुआ मौज हो गई। अब बोले देखो अब अंदर से भगवान को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया, अभी तो केवल हाथ पकड़े था, और अंदर वाले भगवान को जकड़ लिया, जकड़ लिया। बोले छोड़ हाथ हमारा, जाएंगे अभी इतनी देर हो गई, तुम तुम्हारी खुशामद करते, बोले नहीं जाने देंगे। बोले जाएंगे, छुड़ाया हाथ धक्का दिया। अब ये बेचारा कौन सी ताकत थी, वो सर्वशक्तिमान अत्यंत बलवान, छूट गए हाथ। तो बोले जाता है, जा देखे जा। हस्त मुक्षित आटोसी बला कृष्ण किमद भूतम हृदयादिर्यासी पौरुषम रणयामि ते, हाथ छुड़ाए जातो निबल जान के मोही हृदय ते जब जाहुगे सबल बदोंगो तो ही। तुमने बड़ा बल है, छुड़ा लिया हाथ भाग गए, लेकिन बांध जो रखा अंदर, यहां से जाओ तब पता लगे कि तुम्हारे में कुछ बल पौरुष भी है, तुम्हारे मर्दानगी भी है। बस भाग गए, जाओ देखो। भगवान ने कहा अरे जाने के लिए हो तो यहां तुम तो आते ही क्यों। तो ये जो भक्त हैं, ये भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, इनके साथ रहने में, इनका स्पर्श करने में, इनसे बात करने में ये आनंद प्राप्त होता है भगवान को, क्योंकि उनके हो गए तावकाह और बद्ध सौहदाह। ये बड़ी सुंदर चीज है, ये जो प्रेम की गांठ बंध गई, हम लोगों की प्रेम की गांठ बंधी नहीं है भगवान से, गांठ तो हम लोगों ने बांध रखी है जो पहले वर्णन आ गया है भोगों से, और वो गांठ रहेगी नहीं, वो तो टूट जाती है। नई बांधो, नई तोड़ो, नई बांधो तो टूटती रहेगी। और ये गांठ ऐसी है कि एक बार बांध लिया फिर महाराज न उसको छोड़ना आता है और न हम छोड़ सकते। फिर तो चाहे जन्म जन्मांतर हो, चाहे जन्म हो न हो, वो गठबंधन फिर बन ही रहेगा, वो कभी छूटेगा नहीं। वो गठबंधन नहीं छूटता, ये संसार का छूट जाता है, वो नहीं छूटता। तो तथा नते माधव ताव का क्वचित भ्रश्यन्ति मार्ग त्वयि बद्ध सौरथाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका निकटोऽर्ध सुप्रभु। कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, प्रभु सौंप दिया है अपने आप को, अब तुम ही मालिक हो। जो मालिक वो संभाले, प्रभु जिसकी चीज वो संभाले स्वामी हो गया। तो कहते हैं हे प्रभु, जो आपके हो गए और जिनका प्रेम आपके चरणों में बंध गया, वे उन विमुक्त मानिन लोगों के भांति मार्ग से च्युत नहीं होते, वे गिरते नहीं। वे तो बड़े बड़े विघ्नों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रख करके निर्भय चलते हैं, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं हो सकती। वे भी गुप्ता, वे आपके द्वारा संरक्षित हैं, उनकी रक्षा आप करते हैं। जिनकी रक्षा भगवान करे साधन से, वो कैसे गिरे, वो गिरता नहीं, वो सुखपूर्वक भगवान को पा लेता है।